हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रैंडम सेना, एलबी यादव और रजत दलाल के बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। उससे पहले जानते हैं कि क्या सच में रैंडम सेना गिरफ्तार हुए थे। जैसा कि मैंने कल बताया था कि रैंडम सेना के बारे में कुछ फेक न्यूज फैल रहा है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पर उनका क्या रिएक्शन रहा आप देख लीजिए। हम सुने भाई, कल रैंडम सेना के दुश्मन लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। रैंडम सेना अरेस्टेड, ये वो दिस्टैट, मेरी जाति को गाली दी जा रही थी, अरेस्ट हो गया, ये वो दिस्टैट, क्यों करते हो भाई ऐसा ये सब। इसके बाद रैंडम सेना अपने यूट्यूब चैनल पर एलबी यादव के खिलाफ काफी बड़ा एलिगेशन लगा दिए। वो पहले भी एलबी यादव और उनके दोस्तों के खिलाफ काफी बड़ा एलिगेशन लगा चुके हैं। अब उन्होंने क्या कहा आप देख लीजिए। एलबी यादव ने वो मुद्दा को डिग्रेड करने के लिए कि एलबी यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया, ये मुद्दा ऊपर पीक पे ना जाए, इसलिए उसने मैक्सटन जैसे छोटे बच्चे को पोक कर दिया और एड्रेस पे बुलाया उसको। मैक्सटन चला गया, पिटाया, मैक्सटन कुटाया। उसके बाद मैक्सटन मुझे कॉल करके मैसेज करता है, मैसेज किया, कॉल किया कि भाई तुम मेरा साथ दोगे? मैंने बोला हाँ ठीक है साथ दूंगा, लेकिन अगर करना है तो FIR करो, तभी मैं साथ दूंगा, नहीं तो साथ देने का कोई मतलब नहीं होता है। मैक्सटन के FIR करने पे ही एलविश भाई का पूरा सिस्टम हिल गया। और ये देखिए एलविश भाई का सिस्टम कितना तगड़ा है कि एलविश भाई ने रैंडम सेना को सम्राट भाई के थ्रू कॉल करवा के मैनेज करने को बोला। मैक्सटन का मैटर हम सुलझाएंगे, आपको रैंडम सेना से सुलझाओ ना, मचड़ा फैल रखा है, ठीक करो यार, तुम्हारा मैटर तो चल नहीं रहा अभी, मैटर दूसरा चल। मैटर हम सुलझाएंगे ना एल्विश, तुम्हारा सारा मैटर हम सुलझाते, ये भी सुलझाएंगे। एल्विश यादव ऐसे कट्टर हिंदू हैं जो श्रीराम के नाम पे हुडी बेच के अपना घर भरते हैं, और वही प्रभु श्रीराम और माँ सीता को गाली देने वाले मुनव्वर को गले लगाते हैं, उसके साथ व्लॉगिंग करते हैं। आपकी कटारिया भाई का ये कि हाँ एल्विश भाई सोए हैं बहुत लड़कियों के साथ, हम लड़की भी ले आएंगे, बिजनेस तो खा लेंगे हम, अभी तक आपने सट्टा प्रमोशन वाला। और रैंडम सेना कहे कि एलबी यादव के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, वो क्या क्यों कैसे कब लेंगे आप देख लीजिए। IPL आने वाला है, अभी तो 5-4 करोड़ आप कमाते, उसका तो हम थर्ड डिग्री, वो चाहे सीतारामन जी के ऑफिस से इलाज हो, चाहे वो ईडी से इलाज हो, या उससे भी इंडिया से इलाज हो, चिंता मत करिए। एलबी यादव को भुगतना तो पड़ेगा, माफी नहीं मांगेगा, मैं बिल्कुल जानता हूँ माफी नहीं मांगेगा भाई अपना, लेकिन उसका इलाज तो होगा और लीगली इलाज होगा, ये चीज आप नोट करके रख लीजिए। रैंडम सेना बार बार कह रहे हैं एलबी यादव से कि मुनव्वर फारूकी से इस तरह से फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। इस पर रिस्पांस करते हुए एलबी यादव ने ट्विटर पर ये ट्वीट किया। इसके बाद एलबी यादव ने अपने ऊपर हुए FIR पर रिएक्ट किए। PFA वालों ने FIR करवाया था, इस पर क्या कहें आप देख लीजिए। एक कंप्लेंट कराई गाजियाबाद में उन PFA वालों ने कि भाई मेरे जान से मारने की धमकी दी, के सपनों में दे दी गई जान से मारने की धमकी, झूठे साड़े, ये वाला देख के कि मार पिटाई मचा दी तो उसके बिना पे कि ये तो हमारे जान से मारने खत वो दे दी, झूठे साड़े झूठे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रैंडम सेना और रजत दलाल की कंट्रोवर्सी के बारे में। जब रैंडम सेना एलबी यादव के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें रजत दलाल के बारे कुछ ये कह दिए थे। लोकल का कोई दलाल सेट किया, किसी दलाल को जिसके नाम में ही दलाल है, उस दलाल को सेट किया और उसको रीच की लालच दी, अपने स्टोरी में मेंशन किया ताकि उसको रीच मिले। रजत दलाल का क्या रिएक्शन रहा आप खुद ही देख लीजिए। आपने अभी एक कहीं वीडियो डाली है, एक दलाल आया जिसका नाम ही दलाल है। देखो भाई, आप मेरा नाम लो रजत, मुझे बोलो या बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहते हो ना कि आप किसी धर्म की बात करते हो कुछ भी है भाई, उसी के एक हिस्से में से ना हम है, आप हमारे सरनेम का मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर रजत दलाल से आज तक कभी कोई गलती हुई है, जिससे किसी को हानि हुई है, हमारे धर्म को कुछ हुआ है, आप बता दो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग दूंगा। पर जैसे आप सबसे माफी मांगवाते हो ना, आप एक स्टोरी प्यार से लगा दो कि रजत दलाल चाहे, पर मुझे दलाल शब्द को यूज नहीं करना चाहिए था, वो चीज देखो भाई साहब गलत है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको कि मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूँ, आपकी घर फाड़ के आपके हाथ में दे सकता हूँ, आपके घर में आपके सामने आपके सोफे पे बैठ के। अगर आपको लगा हो ये धमकी है तो धमकी ले लेना, कोई मंत्री भी अगर अप्रोच में हो ना, उसका भी धक्का जोड़ लगा लेना। तेरी वो फाड़ूंगा ना मैं आज, एकदम से नहीं मारूंगा, मैं तेरे दिमाग के साथ खेलूंगा, तू शादीशुदा है, तेरी वीकनेस है, मैं तेरे दिमाग के साथ ना उतना खेलूंगा कि ना जितना तू झेल नहीं पाएगा, और एक टाइम पे ना तेरा ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जहां पे ना तू कोलैप्स करेगा, तेरे को लग रहा है कि तू झेल लेगा, तू नहीं झेल पाएगा, पता क्यों? मेरा ये ना बहुत अलग है और ये भी बहुत अलग है, ये दिल जितनी ज्यादा अकड़ होती है ना मेल ईगो, उसके परखच्चे उड़ाने में ना उतना ही मजा है। ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।